नमस्कार, स्वागत है आपका 24 फनी स्टोरी चैनल पर। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आहुति। आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा, आज विशंबर ने कैसी हिमाकत की है, इम्तहान करीब है और आज वॉलंटियर बन बैठे, कहीं पकड़े गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा तो ख्याल है कि वजीफा भी बंद हो जाएगा। सामने दूसरे बैच पर रूपमणि बैठी एक अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें अखबार की तरफ थी पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे। बोली, यह तो बुरा हुआ, तुमने समझाया नहीं। आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है, वह उल्टे मुझे समझाने लगता है। रूपमणि ने अखबार को समेटकर बालों को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे भी नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती। आनंद ने कुछ चिढ़ कर कहा, तो अभी क्या हुआ, अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस ही में हो। आनंद ने कुछ चिढ़ कर कहा, तो अभी क्या हुआ, अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस ही में होंगे, जाकर रोक लो। आनंद और विशंबर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पढ़ी थी, सरस्वती भी। विशंबर फूटी तकदीर लेके आया था, प्रोफेसर ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं के समक्ष थी, पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था, स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया। दोनों युवक कभी कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंबर आता था यूं ही जीप न लगता या घबराता तो उसके पास आ जाता, शायद उसमें अपनी विपत्ति कथा कहकर उसका चित कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ बनाता था। विशंबर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती क्या, आनंद का उस पर मानसिक अधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने अधिपत्य को अस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंबर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क के प्रासित होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा, संभव है छात्र जीवन की ही अंत हो जाए, फिर इस 14-15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, न खुदा ही मिलेगा न सनम का विशाल ही नसीब होगा। आग में कूदने से क्या फायदा, यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो कुछ देश का नाम काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा कर रहा देता था, दूसरे छात्र में स्वदेशी की प्रतिज्ञा कर हित लेता था। विशंबर को भी आनंद यही सलाह दी। इस तरह ने बुद्धि को तो जीत लिया पर उसके मन न जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंबर ने सब राजभवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो